मेरे सभी दर्शकों को मेरा जय गुरुदेव प्रणाम, जय श्री राम। मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में आप सबों का स्वागत है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर आपके गुरु और आपके ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं माघ मास में के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। कथा शुरू करने के पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आपके कमेंट करने से मुझे प्रेरणा मिलती है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। अभी मैं भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित माघ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी की कथा और महिमा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ही सभी जीवों के स्वामी हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही पालक करता हैं, आप ही संहार करता हैं, आप ही जय हैं और सर्व कारण कारणम है। कृपया आप मुझे बताएं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा और महिमा क्या है, इस एकादशी का नाम क्या है और किनकी पूजा उपासना अर्चना हमें करनी चाहिए, एक एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। युधिष्ठिर के मुख से इन प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण उनका धन्यवाद करते हैं और बहुत प्रसन्नचित होते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि अब मैं आपको इस एकादशी की कथा सुना रहा हूँ, इसकी महिमा बता रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। एक बार की बात है कि स्वर्गलोक में इंद्र अपनी सभी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहे थे। सभी देवी देवता इंद्र से बहुत प्रसन्न थे। इंद्र अपने पारिजात से सुसज्जित वन में विहार करते थे और उस वन में बहुत सारी अप्सराएं, गंधर्व इंद्र के लिए गायन और नृत्य किया करते थे। तो पुष्पदंत नाम के एक गायक बहुत ही मधुर वाणी में गाया करते थे और वहीं चित्रसेन नामक संगीतकार अपनी भार्या मालिनी के साथ और अपने पुत्र माल्यवन के साथ अपना संगीत का प्रदर्शन करते थे। वहीं पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवती भी अपने पिता के साथ उपस्थित थी। जब पुष्पवती ने माल्यवन को देखा तो देखते ही दोनों में आकर्षण हो गया। दोनों एक दूसरे के प्रति, सौंदर्य के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित हो गए कि दोनों में एक दूसरे से प्रेम हो गया। पुष्पवती और माल्यवन दोनों प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि दोनों इंद्र के समक्ष जब उनके गायन की बारी आई तो वो अपनी योग्यता नहीं दिखा पाए। बार बार उनसे गलतियां हो जा रही थी और इंद्र ये देखकर उन्हें नाराज़गी हो रही थी कि वो अपनी योग्यता सही से दिखा नहीं पा रहे हैं। दोनों इंद्र की सेवा करने आए थे, इंद्र को प्रसन्न करने आए थे, परंतु दोनों प्रेम में इतने आसक्त थे कि दोनों ही अपनी गायन की योग्यता नहीं दिखा पा रहे थे। यह देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आया और इंद्र क्रोधित होकर पुष्पवती और माल्यवन दोनों को श्राप दे दिया और श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि तुम दोनों पिशाच योनि में चले जाओ, तुम दोनों पति पत्नी के रूप में पृथ्वी लोक पर जाकर पिशाच योनि में रहो और अपने अपराधों की सजा काटो। इंद्रदेव के श्राप से दोनों बहुत दुखी हुए और तत्क्षण दोनों पृथ्वीलोक पर हिमालय पर पिशाच योनि में आ गए। पृथ्वीलोक पर आने के बाद उनकी देवलोक की बुद्धि खत्म हो गई, उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई। वहाँ इतनी सर्दी थी कि वे दोनों बहुत कष्ट में थे। दिन प्रतिदिन उनका कष्ट, उनका दुख बढ़ता ही जा रहा था। अब धीरे धीरे कष्ट इतना बढ़ता चला गया कि अब वे सो भी नहीं पाते थे। माल्यवन एक बार बहुत दुखी होकर पुष्पवती से कहते हैं कि मैंने सुना है कि नरकों में बहुत यातनाएं सहनी पड़ती है, लेकिन इस पृथ्वी लोक पर हम लोग जो कष्ट भोग रहे हैं, जो कष्ट काट रहे हैं, ये तो नरक की यातनाओं से भी ज़्यादा है। माल्यवन पुष्पवती से कहते हैं कि पुष्पवती, अब हमें हर तरह के पापों से बचकर रहना चाहिए। उनका कष्ट और अधिक बढ़ता गया। अब ऐसी स्थिति आ गई कि वो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे, ना तो कुछ पी पा रहे थे, उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो चल पाएं।
इतनी सर्दी थी कि वो ठिठुर रहे थे। अत्यधिक कष्ट के कारण दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिर जाते हैं। इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा उन्हें इंद्र के श्राप के कारण भोगना पड़ रहा था। उस कष्ट के कारण वो पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े रहे। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो खा पाए, ना तो उन्होंने कुछ खाया ना पिया, और कष्ट के कारण वो रात्रि भर जागते रहे उसी पीपल के वृक्ष के नीचे। संयोगवश वह दिन जया एकादशी का दिन था। फिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये हे युधिष्ठिर, दोनों ने अनजाने में ही एकादशी व्रत का पालन किया और जया एकादशी के पालन के साथ साथ पूरी रात जागते रहे। इसके फलस्वरूप उन दोनों को बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और द्वादशी के दिन दोनों को अनजाने में किए गए इस जया एकादशी के फलस्वरूप पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और पुष्पवती और माल्यवन दोनों को देवयोनि प्राप्त हो जाती है। दोनों फिर से देवयोनि प्राप्त कर देवयोनि स्वर्गलोक पहुँच जाते हैं। दोनों इंद्रदेव से मिलने जाते हैं। तब इंद्रदेव दोनों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि दोनों पहले की तरह ही सुसज्जित थे और उनका सौंदर्य और बढ़ गया था। इंद्रदेव उन दोनों को देखकर उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे आप ऐसे जघन्य अपराध से बच पाए? तुम दोनों को कैसे पिशाच योनि से मुक्ति मिली? तब माल्यवन बोले कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा और जया एकादशी के व्रत के पालन से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। हमने अनजाने में एकादशी व्रत का पालन किया था और उसी के प्रभाव से हमें वापस इस श्राप से मुक्ति मिली। उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इंद्र माल्यवन और पुष्पवती को कहते हैं कि आपने श्री कृष्ण की पूजा और सेवा की है, उनकी कृपा प्राप्त की है, इसलिए अब आप मेरे द्वारा भी पूजनीय हो गए हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि आप दोनों के रूप को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आपको आपके सभी पापों से मुक्ति मिल चुकी है। इसलिए हे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हमें बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। इस एकादशी से बड़े जघन्य अपराध का नाश हो जाता है। इसलिए इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और यह एकादशी बड़े से बड़े आसुरी प्रभाव से भी मुक्त करने वाली है। केवल सौभाग्यशाली लोग ही इस एकादशी का पालन करते हैं और जो लोग इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं वे बहुत बड़े बड़े अपराधों से भी मुक्त हो जाते हैं। उन्हें कभी भूत और पिशाच की योनि में नहीं जाना पड़ता है। जो भक्त बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरे नियम का पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस जया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार के दान का लाभ प्राप्त होता है, हर प्रकार के तीर्थ भ्रमण का लाभ प्राप्त होता है और वे वैकुंठ में निवास करने के अधिकारी बन जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण भी कर लेता है उसे भी मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः इस एकादशी का व्रत हमें बहुत ही श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से रखना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन ही वराह देव प्रकट हुए थे, तो उनके लिए भी इसी एकादशी के दिन के आधे समय तक निर्जला उपवास रखा जाता है, निर्जला व्रत किया जाता है। यह जया एकादशी की छोटी सी कथा थी। धन्यवाद।